मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। बलरामपुर जिले के धमनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्यवाही की है। इसके साथ ही लकड़ी तस्करों के पास से इमारती लकड़ी भी बरामद किया गया है। बलरामपुर के धमनी वन परिक्षेत्र में अवैध साल सराई और इमारती लकड़ी का परिवहन करते हुए वन विभाग ने आरोपी को पकड़ा है। कुल 21 नग इमारती लकड़ी वन विभाग ने बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। जिस ट्रैक्टर से इमारती लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था, जयप्रकाश यादव ने बताया कि चेरा रामचंद्रपुर क्षेत्र का निवासी है। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है। परिषद वाडप नगर के चेरा बेट में धमनी का संयुक्त गश्ती चल रहा था। नाइट गश्ती के दौरान जो है चेरा गांव के ही श्री जयप्रकाश यादव जी ने जो ट्रैक्टर में 21 नग साल प्रजाति का अवैध लकड़ी जंगल से कटवा कर कक्ष क्रमांक 833 से और उसमें लोड कर ले जा रहे थे, जिसको मौके पर पकड़ा गया और ट्रैक्टर जब्त कर अपने कलेक्शन में लिया गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।